आप कहाँ से? दिल्ली से। क्या नाम है? आरती। आप बताएंगे अभी जो कैंपेनिंग चल रही है तो किसको रिलेटेड टू? ओके मोदी जी। मोदी जी तो ये कांग्रेस को, राहुल गांधी को? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। क्यों? उनको कुछ पता ही नहीं होता, बस वो उनको बोलना होता है ना, उनको फैक्ट्स पता होते हैं, बस उनको क्रिटिसाइज करना होता है मोदी को कि उन्होंने कुछ भी किया, उसको क्रिटिसाइज करना है, चाहे अच्छा किया हो देश, वो ये नहीं सोचते देश के लिए अच्छा हो रहा है, उनको बस अपनी सरकार राजनीति में आना है और बस पैसे इकट्ठे करने अपने लिए। आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? और कितना सीट आएगा अभी जो? सीट का तो पता नहीं, बट मैं चाहती हूँ वो जीते, बाकी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, सिक्योरिटी को भी लेके बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब इन 5 सालों में कहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, मतलब सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ के, बाकी अभी आई फील सिक्योर। 26/11 के बाद इतना इनसिक्योरिटी फील होती थी, बट नाउ आई फील सिक्योर। अभी वो बॉर्डर तक ही सीमित है एग्जैक्टली, आगे या मोदी अगर रहे तो वो वहाँ पर भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल स्पेस में उन्होंने जो है परसों शक्ति, बहुत अच्छा कैसा लग रहा? बहुत प्राउड फील हो रहा है, चौथे नंबर पे आ गया है एंड आई फील प्राउड फॉर दैट। आपको गर्व है? बिल्कुल। लेकिन इन्होंने, कांग्रेस ने तो क्या कहते हैं, इनको परमिशन ही नहीं दी थी, मनमोहन जी ने इनको परमिशन ही नहीं दी। एटलीस्ट मोदी हैज़ दैट पावर, दैट मतलब ही हैज़ दैट एबिलिटी टू गिव परमिशन सो दैट वी कैन यू नो मूव अहेड, हम एक शक्ति बन सके या फिर मतलब हम कुछ हासिल कर सके। उनको प्रोत्साहन करना चाहिए था बस उनको, बट उनको क्रिटिसाइज ही करना होता है। मोदी ने कोई भी काम करें वो क्रिटिसाइज करेंगे, चाहे अच्छा हो या, बट वो ये नहीं देख रहे कि हमारे इंडिया के लिए कितना अच्छा है। अब चौथे स्थान पे आया है, अगर ये 2012 में करते या 2008 में भी करते तो ये थर्ड उस पर आता, चाइना बाद में होता फिर, मगर उन्होंने परमिशन ही दी थी, कर चुके होते थे। अब इसरो के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी बोला था कि हम 2012 तक बिल्कुल तैयार थे, जैसे 2007 में चाइना ने किया है, हम पीछे थे, लेकिन इन्होंने हमको राजनीति चार में भी आया था 2004 में भी, बट इन लोग ये परमिशन ही नहीं देते, इंडिया को आगे नहीं बढ़ने देते। इंडिया आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर वो वैसे ही रहेगा जैसा अभी है, और अटैक्स भी होते रहेंगे फिर, तो हम फील कैसे, सिक्योर कैसे फील करेंगे? अभी ये सब लोग जो है राग अलाप रहे हैं कि भाई हम गरीबी मिटा देंगे, उससे 5 साल पहले, अभी मोदी जी की सरकार 5 साल पहले तो 10 साल तक लगातार इनके थे, और पिछले जो 55 सालों से जो है ये लोग सरकार कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये लोग ये इंदिरा जी का भी यही था नारा, गरीबी हटाएंगे, बट गरीबी हटाई नहीं, उन्होंने बहुत कुछ बाकी भी कर दिया, दंगे हो गए, जो मेल्स पे भी इन्होंने किया था वो भी हुआ था, बट तब भी उनका यही नारा था गरीबी हटाएंगे, आज तक गरीबी हटी नहीं, बट अब जो मोदी कर रहे हैं तो उनको करने दो, उनको एक चांस और मिलना चाहिए। अभी तो स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा भी लगेगा कुछ, और थोड़ा बुरे कदम भी उठाए उन्होंने, जैसे नोटबंदी कर दी वो लोगों को बुरा लगा, GST आ गया वो लोगों को बुरा लगा, इन्होंने एक प्रलोभन और डाला कि हम गरीबों के खाते में जो है ये 72,000 रुपये सालाना डालेंगे, 6,000 रुपये पर मंथ जो है, तो क्या लगता है आपको कि ये उससे तो ये काम करने का वो रुक जाएगा, तो आपको क्या लगता है ये खैरात में बांटे? हाँ, ये कहाँ से देंगे? ये खुद तो इनकम टैक्स चोरी करते हैं राहुल गांधी, इनसे पूछे ना इनकम टैक्स कब भरा है इन्होंने, पूरा भरा हुआ है ये, जब इनकम टैक्स खुद ही नहीं देते ये लोगों को क्या देंगे, ये तो फिर लॉलीपॉप ही दे रहे हैं। इन्होंने अपने शासन काल में क्यों नहीं ये इम्प्लीमेंट किया? आप क्यों जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे थे ना तब इतने टाइम में गैस कनेक्शन मिला, ना इलेक्ट्रिसिटी लोगों को मिली, ना टॉयलेट्स वगैरह कन्वीनियंस मिली, तो अब कहाँ से देंगे वो, एकदम कहाँ से दे देंगे? राहुल गांधी के पास कोई छड़ी नहीं है, जैसे ये मोदी जी के लिए बोलते थे, राहुल गांधी के पास भी ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी कर रहे हैं, उनकी एक विल पावर है।